अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सब टॉपिक है जॉइंट वेंचर का, उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये टॉपिक सिलेबस कंटेंट आपके सामने होना चाहिए ओ लेवल बिजनेस स्टडीज़ का। दिस इज़ फॉर ओ लेवल एंड IGCSE बिजनेस स्टडीज़। अगर आप ओ लेवल IGCSE बिजनेस के फर्दर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से आप प्लेलिस्ट को कॉपी करें, कहीं पे भी उसको पेस्ट कर लें, उसके बाद जैसे जैसे आप देखना चाहें कंप्लीट सिलेबस उसके अंदर एक्सप्लेन हुआ हुआ। जॉइंट वेंचर किस टाइप का बिजनेस होता है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जॉइंट वेंचर ज़ाहिर है एक बिजनेस नहीं कर रहा होता, दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस मिल के अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर लेते हैं और दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज वेल। दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपर्टीज एज वेल। जैसे लाइक जॉइंट वेंचर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के दरमियान में भी हो सकता है, टोटली न्यू बिजनेसेस के दरमियान में भी हो सकता है, कोई नेशनल बिजनेसेस के दरमियान में भी हो सकता है, नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज के दरमियान में भी हो सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, और प्राइवेट और प्राइवेट के बीच में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी हो सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, पाकिस्तान में अगर हम देखें, पाकिस्तान में DHA एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन करते हैं ये लोग, हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। इसके अगेंस्ट हमारे पास एक और सिमिलर टाइप का बिजनेस है बैरियर टाउन के नाम से। इसी तरह बैरियर टाउन और ये सेपरेट बिजनेस कर रहे हो तो ये इनके इंडिविजुअल बिजनेसेस होते हैं, लेकिन अगर ये मिलके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें अपने ये रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपनी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, टूल्स, फाइनेंस सारा कलेक्टिवली ये यूज़ करते हैं उस नए प्रोजेक्ट के लिए, तो ये इनका एक न्यू जॉइंट वेंचर कहलाएगा। जैसे पाकिस्तान में इन्होंने, इन्हीं दो कंपनीज ने एक DHA वैली के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन वो इन दोनों की कंबाइन एक्सपर्टीज़ और उसका बैरियर टाउन इंडिपेंडेंटली अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। DHA के अपने अलग से हैं, लेकिन DHA और बैरियर टाउन ने मिल के जो प्रोजेक्ट किया DHA वैली के नाम से, वो एक जॉइंट वेंचर की एग्जांपल है। इसी तरह से मल्टीपल कंपनीज फॉर द टाइम बीइंग को जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। अब ये जैसे मैंने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी नेशनल कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर हो सकता है, लोकल बिजनेसेस भी आपस में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में भी हो सकता है, प्राइवेट और प्राइवेट फर्म्स के बीच में भी हो सकता है। अब अगर एक लोकल फर्म किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ या इंटरनेशनल फर्म के साथ मर्ज करती है, जॉइंट वेंचर करती है, मर्जर इज़ डिफरेंट थिंग, जॉइंट वेंचर इज़ डिफरेंट थिंग, अगर जॉइंट वेंचर स्टार्ट करती है तो फिर उसमें क्या होगा कि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर हो जाएंगी, ओवरऑल एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने नए एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी, टूल्स लेके आएगी, ह्यूमन रिसोर्स लेके आएगी, लोगों को एग्जिस्टिंग जो लोकल बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करेगी, उनका नॉलेज यूज़ करेगी। तो इसी तरह से लाइक इनके पास फाइनेंस भी ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं, इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्टीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, इसी तरह से मशीनरी, टेक्नोलॉजी, टूल्स भी इनके पास इंक्रीज़ होते हैं, तो ओवरऑल इनके पास पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ग्रेटर आउटपुट जो है दैर इंक्रीजेज। अब जितना आउटपुट बनाएंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस हैं, बिजनेस एक्सपेंशन भी होती है और इनके पास अपने पास भी नॉलेज इन्हांस होता है, वर्कर्स को भी ज़ाहिर है इसका फ़ायदा होता है, उनके लिए जॉब क्रिएशन होती है, इकोनॉमी भी ग्रो करती है, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस जनरेट होते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, लाइक जॉइंट वेंचर बिजनेस जब किया जाता है तो उस जॉइंट वेंचर का जॉइंट वेंचर करने वाली कंपनीज़ के लिए क्या नुकसान हो सकता है, लाइक उनमें डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं, लाइक एक कंपनी के गोल्स कुछ और होंगे, दूसरे के गोल्स कुछ और होंगे, एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, दूसरी कंपनी का अलग होगा। सो अगर ऐसा होगा तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बिजनेस के कंटिन्यूएशन के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से बिजनेस फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जब ये लोग लाइक लीडरशिप की बात करें तो इनका लीडरशिप स्टाइल भी डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है एक कंपनी एक लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रही हो, दूसरा दूसरी फॉलो कर रही हो, तो उनका जो स्टाफ होगा, जो वर्कफोर्स होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है, वो ज़्यादा डिफरेंट तरीके से यूज टू होते हैं अपने जो उनका मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल होता है। लीडरशिप स्टाइल्स होते क्या हैं, लाइक मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो है, अगर आपको वो देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। उनमें से लाइक जैसे एक डेमोक्रेटिक होता है लीडरशिप स्टाइल होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, लेसेस फेयर होता है,
तो उनमें डिफरेंट हो सकता है, एक कंपनी जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रही हो, दूसरी कंपनी जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रही हो। तो हर कंपनी का एक अलग से लीडरशिप स्टाइल होता है। जब वो मर्ज करेंगे और उनके ह्यूमन रिसोर्स भी कंबाइन होगा, तो जाहिर जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो हो सकता है कि ऑलरेडी जिस लीडरशिप स्टाइल के साथ ट्यून थे, दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग, बट द न्यू वेंचर विल नॉट फॉलो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न, तो वो भी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। इस तरह से बिजनेस फेलियर के फिर चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, अदर कॉन्सेप्ट्स रेलिवेंट टू बिजनेस स्टडीज, देन यू मस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड अ लिंक देयर। इट कंटेन्स ऑल लिंक्स ऑफ बेसिकली वीडियोज रेलिवेंट टू बिजनेस स्टडीज। तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से उसको कॉपी करें और कहीं पेस्ट कर लें टाइम टू टाइम, जैसे आपको टाइम मिले, और वहाँ पे सिलेबस वाइज उनको अरेंज किया हुआ। ओके, सो दिस इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।